वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्बा जी, मैं आपकी बेटी खैरुन्निसा की बेटी साजिदा इंडिया से बात कर रही हूँ। अब्बा जी, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। अब्बा जी, मैंने ख्वाब में आपकी ज़ियारत की और मुसाफा किया और मेरे हाथ से खुशबू आई। अब्बा जी, मैं मदरसे में पढ़ती हूँ और आलिमा का कोर्स कर रही हूँ, पर मेरी आँख बहुत कमजोर है, कोई अमल बता दें। अल्लाह ताला आपको सेहत वाफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अब्बा जी, दुआओं में याद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। क्या कमजोर है? ये आंखें बहुत कमजोर हैं। आलिमा का कोर्स कर रही हैं। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी जो है वो बात कर रही है इंडिया से। अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए और ये आपकी इस मोहब्बत का बेहतरीन बदला दुनिया आखिर में अल्लाह ताला फरमाए और इल्म मारफत के नूर से आपका सीना मुनव्वर फरमाए। आप इल्म दीन हासिल कर रही हैं, मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खूब खूब जो है ज़ाहरी बात नहीं बरकत अता फरमाए। बाकी आपकी आंखें जो है नज़र कमज़ोर है उसके लिए नोट कर लें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। सूरह कुरैश, सूरह कुरैश 9 मरतबा, 9 मरतबा जो किसी एक नमाज के बाद पढ़ के अपने जो उंगलियों के पोरों पे आपने फूंकना है और ये उंगलियां जो चेहरे को आंखों के ऊपर यूँ मल लेनी है। तो ये किसी एक नमाज के बाद रोज़ाना कर लिया करें, इंशाल्लाह आपकी आंखें जो है इंशाल्लाह तेज़ हो जाएंगी, नज़र आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा जो है बाकी ये है कि कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम रखें, क्योंकि कुरान करीम को देख कर पढ़ने से भी नज़र तेज़ होती है। तो आप ज़ाहिर है कि मदरसे में पढ़ रही हैं तो उस हवाले से कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम रखें, इंशाल्लाह उससे भी आपकी नज़र जो है वो तेज़ होगी। और मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत। अगली वीडियो लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नूर अहमद हूँ, अफगानी अफगानिस्तान से बात कर रहा हूँ। हजरत जी से एक सवाल है कि आपके मुरीद होने के लिए क्या चांस है, क्या शरायत है, और मुझको अपने मुरीदों में शामिल कर लो। शुक्रिया। कहाँ से बात कर? अफगानिस्तान से। अच्छा, माशाल्लाह अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। माशाल्लाह आपकी मोहब्बत को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए। और बाकी मेरे मुरीद होने की शरायत कुछ नहीं है, मेरे मुरीदों की शरायत मोहब्बत और एतमाद है। और ज़ाहिर है किसी से भी मुरीद हों तो मोहब्बत और एतमाद, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जिससे आप मुरीद हो रहे उसकी मोहब्बत आपके दिल में है और दूसरा उस पर आपको कामिल एतमाद है कि जो वो तालीम व तरबियत करेगा वो इंशाल्लाह आपके लिए नाफ़ी होगी और आपको मंजिल मिलेगी। ये एतमाद, तो मोहब्बत एतमाद अगर आपको मुझ पर है कामिल तो इंशाल्लाह मैं आपको दिल से जो है वो मुरीद करता हूँ। और माशाल्लाह आप जो है वो अफ़गानिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान से बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी सआदत है कि इंशाल्लाह और आपको मेरे बुज़ुर्गों का फैज़ पहुँचे। मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी बैत को कबूल मंजूर फरमाए। और आप जी अपना जो है वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रिक्वेस्ट भेज दें तो व्हाट्सएप पे जो रिक्वेस्ट आ जाएगी तो मैं आपको मामूलात और डिटेल्स आपको भेज दूँगा, इंशाल्लाह आपको रूहानी तरक्की होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। बहुत अच्छा लगा इन सबको शामिल करने में यहाँ। और ये हमारा एक नया सिलसिला है कि जब हम वीडियो कॉल्स लेते हैं, आप भी अपनी वीडियो भेज सकते हैं हमें। कोशिश ये कीजिए कि वीडियो क्लीन हो बिल्कुल, यानी आवाज़ साफ़ हो और ऊंची हो और सवाल मुख्तसर हो, तो ये करके आप हमें भेज सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको भी अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने साथ शामिल कर लेंगे। हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हज़रत जी, हम इंडिया नांदेड़ शहर से बात करें, हमारा नाम आयशा फातिमा है। हज़रत जी, हम कल ही आपसे ऑनलाइन बैठे हुए हजरत जी, हमारा सवाल ये है कि हम क्या क्या जिक्र करना, और हमारे शोहर मिर्ज़ा हमीद बेग भी आपके मुरीद हैं, हम दोनों भी आपके मुरीद हैं, हम दोनों पे आपकी खुशी से तवज्जा की दरख्वास्त। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह आयशा, आप इंडिया से कॉल कर रही हैं, वीडियो कॉल की आपने, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। और मेरे सिलसिले में आप बैत हुई हैं तो बैत के हवाले से आप जो अजकार जो वैसे भी इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझसे डिमांड कर लें, उसमें लिख दें कि मुझे ये चाहिए, रिक्वेस्ट कर लें तो मैं आपको भेज दूंगा। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आ भी रहा होगा 3474589061। और दूसरा फ़िलहाल आप नोट कर लें
जो जिक्र अजकार आपने करने हैं, सुबह फजर के बाद जो है तीन तस्बीह जो है, एक कलमा जो है वो तमजीद की तीसरे कलमे की तस्बीह और एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह और एक दुरूद शरीफ़ की तस्बीह पढ़नी है, और फिर मगरिब के बाद जो है इन्हीं तस्बीहात को मगरिब के बाद भी दोहराना है, कलमा तमजीद की तस्बीह और जो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह और दुरूद शरीफ़ की तस्बीह ये करना है, और फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करनी है और मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है। उसके अलावा अल्लाह हू का जिक्र जो इसमें ज़ात कलंदरी का वो जो है वहाँ यूट्यूब पे मौजूद भी है, मैं आपको भेज भी दूंगा, तो अल्लाह हू का जिक्र आपने करना है, जिसकी पहली ज़र्ब जो है वो ज़ेर नाफ जो है लतीफ़ा नफ्स पे लगेगी और दूसरी जो ज़र्ब हू की वो जो है कल्ब लतीफ़ा कल्ब पे लगेगी। इस तरीके से आपने पढ़ना है अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू, ये इसमें ज़ात कलंदरी का जिक्र है। ये आपने जो है वो रोज़ाना तकरीबन 7 मिनट तक जो है 5 से 7 मिनट इसका जो है वर्द करना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ के जो है वो अल्लाह से आफियत और उसकी मोहब्बत मांग लेनी है। तो ये 2-3 अमल आप शुरू कर दें, बाकी डिटेल इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा, अल्लाह मुबारक करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। अस्सलाम हजरत, मैं इंडिया से आपकी मुरीद आपकी बेटी नाज़रीन फातिमा बोल रही हूँ। मैंने आपसे बात की थी ऑनलाइन, मैंने पिछली बार आपको बताया था, तो मैं इसके बाद जैसे मैंने आपसे बात की तो उसके बाद 3-4 दिन बाद ना मेरा मुंह बिल्कुल एकदम मीठा हो गया, और मतलब मिठास आती रही मुंह के अंदर। फिर कुछ दिन कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि पता नहीं सच है कि झूठ है ये मीठापन, तो उसके बाद थोड़ा खट्टा हो गया, फिर खट्टा हो गया, फिर मैंने कहा मैंने सोचा दिल में कि नहीं नहीं सच में मीठा ही था, तो फिर उसके बाद फिर अल्लाह को कम से मीठा ही हो गया। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब ये क्या कैफियत हो गई, और मुझे ना वो मैं असर के टाइम की तस्वीर पढ़ रही थी, तो उसके बाद मुझे ना थोड़ी नींद सी हुई, गलबा सा हुआ, तो मौलाना यूसुफ लुधियानवी सही रहमतुल्लाह अलैह मुझे कह रहे हैं कि वो सूरह आल इमरान का रुकू है लिल्लाहि मा फिस समावाती वा फिल अर्ज़, तो ये पढ़ा करो। और हजरत मेरे शौहर की ना बहुत तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ करना, बहुत एक साल से बहुत तबीयत खराब है, दवाई खाते हैं उनको सही नहीं होते। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हुक्म अल्लाह हुक्म, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत कॉल की आपने, और उसमें जो है वो मेरे अब्बा जी शहीद जो सुल्तानुल औलिया हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो जो तशरीफ़ लाए, और मुकाशफे में उन्होंने आपको कहा कि सूरह आल इमरान का फ़लाँ रुकू पढ़ो, तो ये माशाल्लाह ये आपके बैत के कबूल होने की अलामत है, और मुंह मीठा होना इसका मतलब अल्लाह ताला अपने ज़िक्र की लज्जत और मज़ा आपको अता फरमाएंगे। आप मामूलात जो उसके जारी रखें और ज़िक्र की पाबंदी करें, इंशाल्लाह ज़िक्र को ज़ौक और लज्जत मिलेगी और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत नसीब होगी। और हज़रत ने जो बात कही है उस रुकू को आप पढ़ना शुरू कर दें, इसका मतलब यह है वो गया कि आपके दादा पीर की तवज्जो भी आप पर है, वही रुकू दम करके पानी अपने शौहर को भी पिलाते रहें, इंशाल्लाह उसमें आपके शौहर के लिए भी शिफा है, 41 डेज़ वो पानी पिलाएं। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप हजरात को और बरकतें और मोहब्बत अता फरमाए। बहुत खूब, दुनिया के मसाइल हैं, हम लोगों के मसाइल हैं ये, और लोगों को घर बैठे अपने लिविंग रूम में अपने बेडरूम में टीवी के ऊपर फ़ोन के ऊपर ये मसाइल का हल यूँ मिल जाता है। और माशाल्लाह अल्लाह आपको क्या कह सकता हूँ, जिंदगी दे और सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और ऐसे ही रखे हमेशा।